हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के सेकेंड चैप्टर पे हैं, एट स्टैंडर्ड CBSE, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है। इन अ स्मॉल विलेज इन टेंजानिया अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। एक छोटे से विलेज जो टेंजानिया में है, वहाँ पे एक मम्बा रहता है, वो बहुत जल्दी उठता है सुबह को पानी फेच करने के लिए, पानी निकालने के लिए कुएं से। शी हैड टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उन्हें बहुत चलना पड़ता है और बहुत घंटों बाद घर आना पड़ता है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। वो घर पे अपनी माँ की मदद करती है और फिर अपने भाई के साथ वो अपने गोट्स को संभालती है। ऑल अ फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड एंड अराउंड देयर स्मॉल हट। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनके फैमिली के पास एक छोटी सी ज़मीन है जो कि रॉकी है, पत्थरों से भरी हुई है। ओके, उनके झोपड़े के बाजू में, और मम्बा के जो पापा है वो कुछ उसमें उगा ही नहीं सकते। वो कुछ थोड़ा बहुत मेज़ और बीन्स ये उगा सकते हैं आफ्टर टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब है बड़ी मेहनत के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और इतना काफ़ी नहीं हो जाता पूरे फैमिली को खिलाने के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर जो एक शीप रेयरिंग रीजन में रहता है, यानी कि जहाँ पे शीप रेयरिंग रीजन का मतलब है जहाँ पे बहुत सारी शीप्स मिलती हैं, जहाँ पे बहुत सारी शीप एक एनिमल है वो रहते हैं न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाती है। उस शीप का वो वूल निकालते हैं और उससे वो उसको प्रोसेस करते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। और हर रोज़ जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने अंकल को उस शीप की देखभाल करते हुए नज़र आता है। Their sleep yard is situated on a widely grass plain with hills in the far distance. और उनका जो sheep yard है वो एक grassy plain पे situated है, wide grassy plain, hills के ऊपर और बहुत दूर। It is managed in a scientific way using the latest technology. और ये जो sheep wool processing का जो business होता है students, वो काफ़ी scientific way, नई technology use करके बनाया जाता है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। मम्बा जिसे खाने कुछ नहीं मिलता है, और पीटर जिसकी खुद की एक वूल प्रोसेसिंग कंपनी है और उनके फैमिली को ढेर सारे सब्जी मिलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। वो दोनों अलग अलग जगहों पे रहते हैं, प्रांतों में रहते हैं, और अलग अलग ज़िंदगी भी जीते हैं। This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. और ये जो difference है वो इन सारे factors की वजह से है। Land कैसा है, soil कैसा है, वो पानी वहाँ आता है या नहीं, बारिश होती है या नहीं, natural vegetation कैसा है, animals और and usage of technology, और कितने advanced technology वहाँ पर use की जाए। The availability of such resources is the main reason places differ from each other. और अवेलेबिलिटी, इन सारे रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होने के कारण ये सारे प्लेसेस अलग अलग प्रांतों में मिलते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा पार्ट है जो है लैंड। लैंड यानी कि ज़मीन। लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंड। आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड के मैप में, आपने देखा होगा बहुत सारा एरिया है जो लैंड कवर करता है। दो हमारा जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा पानी रहता है पूरे देश के यहाँ पे, लेकिन बहुत सारा एरिया है जहाँ पे ज़मीन भी ज़रूरी है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यहाँ पे बताया जा रहा है ये पूरे दुनिया में 30% लैंड ही कवर किया जाता है, बाकी पूरा वाटर है स्टूडेंट्स। और छोटे छोटे लैंड भी है, जैसे अंडमान निकोबार आपने देखा होगा, काफ़ी छोटा सा लैंड वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ हैबिटेबल यानी कि रहने जैसा कुछ है नहीं वहाँ पे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। और ये पॉपुलेशन इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट अनइवनली हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लैंड और क्लाइमेट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बदलाव आपको देखने मिलते हैं, कहाँ कहीं पे ठंड है तो कहीं पे गर्मी। द रॉक टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेंस लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉक टोपोग्राफी, टोपोग्राफी रॉक यानी कि मुश्किल,
रहने के लिए मुश्किल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स में घने स्लोप्स, स्लोप्स यानी कि चढ़ाव, आई एम सॉरी उतार का जो रहता है स्टूडेंट्स, उसे स्लोप कहते हैं। लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर, और जो एरिया जहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है वो वाले एरियाज वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग यहाँ जहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है। डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरियाज़ में थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेसली पॉपुलेटेड और अन इनहेबिटेड, यानी कि वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं होती है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफन सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जो प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज़ के जो बाहर आजू बाजू लैंड होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे दैट इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन वो रहने लायक नहीं है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए उन्हें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहा जाता है स्टूडेंट्स। लैंड यूज़, चलिए देखते हैं ज़मीन का इस्तेमाल किस किस कारणवश किया जाता है। लैंड यूज़ इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटलिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। तो ज़मीन को किस किस कारणवश यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज घर बनाने के लिए, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, इसे कहते हैं लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मांबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड, क्या आप पता कर सकते हैं कि मांबा और पीटर किस तरह से अपने लैंड का इस्तेमाल करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ज़मीन का इस्तेमाल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ज़्यादातर फिजिकल फैक्टर्स जो कि है टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा स्टूडेंट्स तो एग्रीकल्चर हो सकता है, टोपोग्राफी यानी कि आजू बाजू का संतुलन, एनवायरनमेंट कैसा है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, अभी तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई है और ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंड का यूज़ किस प्रकार होता है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, सो लैंड के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइवेट खुद का और कम्युनिटी यानी गवर्नमेंट का। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स वेयर कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाई द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। ठीक है, प्राइवेट लैंड तो खुद के इंडिविजुअल नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, लेकिन कम्युनिटी का जो लैंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें करी जाती है, फॉडर कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स, नट्स या मेडिसिनल हर्ब्स ये सारे उगाने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन यानी कि बाकी के लोग भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लोग और लोगों के डिमांड्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो लैंड जितना अवेलेबल है वो घटते जा रहा है, वो बहुत लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्वालिटी है लैंड का वो भी डिफर करता है जगह से लेके जगह तक। पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, ठीक है, जो कॉमन एनक्रोचिंग का मतलब है खोदना, जो कॉमन लैंड्स लोगों को लगता है वो कमर्शियल एरिया जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अर्बन एरियाज में बना लेते हैं, एंड टू एक्सपांड दिस एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया, और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपांड किया जाता है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी, तो जिस तरह से चेंजेस आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो लैंड का यूटिलाइजेशन में, तो कल्चरल चेंजेस भी होते नजर आएंगे आपको सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructive activities. So human needs को fulfill करने के लिए land को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उस वजह से soil erosion का मतलब है soil की fertility को lose करना ताकि कोई crop वहाँ पर grow ना हो पाए। degradation यानी कि लैंड का उस लैंड का कोई यूज़ नहीं है, डिग्रेडेशन का मतलब है वो फर्टाइल लैंड डिग्रेड हो जाता है। लैंड स्लाइड्स, डिसर्टिफिकेशन, ये सारे मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट को, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर एक्सपांशन में यूज़ नहीं हो सकता और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 9 पे है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. So population jo badh raha hai aur unki demands jo badh rahi hai led to large scale destruction, so jaise sare
फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड यानी कि जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि एंड इस वजह से देर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे पहले एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ होता था, अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे सिटी इन्वायरमेंट क्रिएट होता गया, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज जैसे बिल्डिंग हो या फिर मेट्रोज या फिर ट्रक्स, ये सारी चीज़ों रोड, ये सारी चीज़ें बनाने लग गई और लैंड को डिग्रेड किया गया। देयरफोर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इस वजह से हमें चेक करना चाहिए कि लैंड कितने प्रतिशत डिग्रेड हो रहा है हमेशा। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। सो लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए कौन से मेथड्स है स्टूडेंट्स? एक है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स उगाना। ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन यानी कि वो जो जो लैंड सॉइल और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रखा है उसे कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। रेगुलर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लैंड को बचाने के लिए, और रेगुलर यूज एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो एनिमल्स ग्रेज यानी कि घास चरने जो आते हैं वो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि उस वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ दी अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक एक पतली सी लेयर जो लैंड जो सर्फेस अर्थ की सर्फेस को कवर करती है उसे कहते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, जो वो लैंड से रिलेटेड है। लैंड फॉर्म्स डिटरमिन द टाइप ऑफ सॉइल, जो लैंड का जो एनवायरमेंट है वो डिटरमाइन करता है सॉइल कैसा होगा। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन दी अर्थ। सो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स से सॉइल बनता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स और इसे कहते हैं वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और सही जो मिक्स होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, उससे सॉइल फर्टाइल, फर्टाइल यानी कि यूजेबल, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 10 पे है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डिब्रिस ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, सो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब जो माउंटेन है, ऊपर माउंटेन से जब एक स्लोप बनता है, ठीक है, और वहाँ से रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं, उसे लैंडस्लाइड्स कहता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉलकैनोज। अगर कोई अर्थक्वेक, भूकंप आने वाला हो, फ्लड्स आने वाले हो, या वॉलकैनो बर्स्ट होने वाला हो, ज्वालामुखी, तो उससे भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फ्रॉम रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, एक प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल का मतलब है बड़ी तेज़ बारिश से भी हैवी लैंडस्लाइड्स होने की संभावना हो सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। और ये जो लैंडस्लाइड है वो ए रिवर को ब्लॉक भी कर सकता है स्टूडेंट, जिससे क्या हो सकता है, जिससे फ्लड्स आने की भी संभावना है। राइट, इन द हिली टेरेनियन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो हिली रीजन जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेंस हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? ज़िंदगी को नुकसान है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी जो बिल्डिंग्स आजू बाजू बने हैं उसको, एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ हो सकती है। अ केस स्टडी, अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान टिबेट रोड, एक नेशनल हाईवे 22। सो नेशनल हाईवे 22 पे एक हिंदुस्तान टिबेट रोड था स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक बड़ी सी लैंडस्लाइड आई और उसने एक 200 मीटर स्ट्रेच को डैमेज किया, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आके रोड्स पे गिर गए। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। ठीक है, और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि बड़ी सा ब्लास्ट हुआ था पंगी विलेज में। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। और ये ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ, ये जो स्लोप हो गया वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स यानी कि गिर गया, और इस वजह से इंटेंस डैमेज हुआ रोड्स एंड विलेजेस को, जो आजू बाजू के विलेजेस थे वहाँ पे। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेंट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ।
तो वो विलेज को वेकेंट किया गया, वेकेंट का मतलब है खाली किया गया, क्योंकि आगे जान ना जाए किसी की, इस वजह से। मिटिगेशन मैकेनिज्म, यानी कि कैसे हम लैंडस्लाइड्स को बचा सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉजेज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की वजह से हम अब समझ पा रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स कब आ सकता है, या फिर लैंडस्लाइड्स आने की संभावना कब है और इसे हम उसे कैसे संभाल सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, चलिए देखते हैं कुछ लैंडस्लाइड मिटिगेशन के टेक्निक्स क्या है। एक है हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। सो एक बड़ा से एक मैप पे बताना देखना चाहिए कि कौन से एरियाज है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो एरियाज पे बिल्डिंग्स बनाना अनिवार्य नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, एक रिटेंशन वॉल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिटेंशन वॉल बनाया गया है ताकि लैंडस्लाइड्स नीचे ना, बड़े बड़े रॉक्स नीचे आके ना करें, वो वॉल पे टकरा जाए। इंक्रीज इन द वेजिटेरियन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, सो वेजिटेरियन कवर यानी कि वहाँ पे क्रॉप प्लांटेशन किया जाए, वेजिटेशन ग्रो किया जाए ताकि वो लैंड फर्टाइल हो जाए और वो रॉक्स नीचे ना गिरे। द सर्फेस ड्रेन कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फोर्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्प्रिंग फोर्स से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी जो है वो काफ़ी ढीली पड़ जाएगी और उससे वो रॉक्स नीचे गिरेंगे नहीं। तो ये सारे टेक्निक्स बताए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैसे हम लैंडस्लाइड्स को अवॉइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 11 पे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सॉइल को बनाने के लिए राइट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो ये लेयर्स है स्टूडेंट्स। पहले एक पैरेंट रॉक होता है, इस तरह से वो पैरेंट रॉक दिखता है। जब वो राइट सेट ऑफ मिनरल्स को हम मिक्स करते हैं तो वेदर्ड रॉक मटीरियल बन जाता है और इसके लिए काफ़ी समय लग जाता है। सब सॉइल विद सैंड स्लेट एंड क्ले, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छी अगर बारिश गिरती है तो फिर वो लैंड फर्टाइल हो जाता है और वहाँ पे वेजिटेशन हम ग्रो कर सकते हैं। टॉप सॉइल विद हमस एंड वेजिटेशन, सो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर राइट सेट ऑफ मिनरल्स सॉइल को मिलते हैं और बारिश अच्छे से होती है तो सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, पर सॉइल कैसे बनता है और कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल बनाने के लिए हेल्प करती है और वो डिसएडवांटेज भी हो सकती है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सो ये पेरेंट रॉक जो है उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है करंटली, और उसके क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक यानी कि आजू बाजू का वातावरण कैसा है वो सॉइल को ग्रो करने के लिए। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बाकी फैक्टर्स है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कैसा है स्टूडेंट्स, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का क्वालिटी कैसा है जिसे यूज़ किया जा रहा है सॉइल को फॉर्म करने के लिए, और टाइम कितना लगता है उसे कंपोज यानी कि मिक्स करने के लिए ताकि सॉइल फॉर्म हो जाए। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स जिस जगह पर ये बनाया जाता है वो डिफ़र करता है, क्योंकि हर कंट्री का या हर प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो दिया है स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, पैरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम और क्लाइमेट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पैरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कॉन्टेंट, परमेबिलिटी। तो सॉइल ऐसे ईजिली फॉर्म नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एक पैरेंट रॉक को चेक करने के लिए, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर यानी कि उसे जब हाथ लगाते हैं तब वो क्या कड़क है या नरम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट और प्रेमेबिलिटी। राइट, प्रेमेबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कितनी दफ़ा हम इस पर इस पर्टिकुलर पेरेंट रॉक को टॉप सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटर्मिनेशन एक्यूमिजेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ऑल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, डिटरमाइन एक्यूमिलेशन ऑफ सॉइल, तो इससे क्या डिटरमाइन होता है कि कितना सॉइल कितना अच्छे से सॉइल उसमें फॉर्म हो सकता है। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ हमस फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्लोरा और फौना अगर हम सॉइल फॉर्मेशन किसी रिवर के करीब करते हैं तो वो जल्दी फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एरिया डैम्प होता है। टाइम, कितना समय लगता है, डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉफ्ट प्रोफाइल, कितना थिक वो जो सॉइल का प्रोफाइल है उससे डिटरमाइन करता है तुम्हारा सॉइल कितना जल्दी फॉर्म हो जाएगा।
क्लाइमेट क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, जैसे हमने कहा था रेनफॉल बारिश होती है या नहीं, रेट रेट ऑफ वेदर वेदरिंग एंड हमस फॉर्मेशन, किस तरह से हम बारिश होती है, क्या बहुत तेज़ बारिश होती है या फिर क्या बारिश ही नहीं होती, अगर बारिश नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं सॉइल को फॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं सॉइल कैसे डिग्रेड होता है, डिग्रेड का मतलब उसकी क्वालिटी कैसे ख़राब हो सकती है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। कॉन्जर्वेशन मेजर आई एम सॉरी सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, सॉइल का इरोज हो जाना यानी कि ख़राब हो जाना और कम यानी कि वो लैंड फर्टाइल नहीं रहना, ये ज़्यादा रीजंस थ्रेट्स थ्रेट्स यानी कि इस चीज़ का डर रहता है सॉइल को, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन या डिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हैं, एक है डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे आपको पता ही है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, पूरे फॉरेस्ट को आधा कर देना, जितने भी प्लांट्स ट्रीज ग्रो हो रहे हैं उन सबको काट देना। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग यानी जो भेड़ बकरी है जो इस पर्टिकुलर लैंड में गेज करते हैं, गेज यानी कि खाना खाते हैं, चरने आते हैं, उनको अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल डिप्लीट हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सो केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ना स्टूडेंट्स, वो क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, जल्दी ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो सॉइल डिग्रेड हो सकता है। रेन वॉश यानी कि बड़ी तेज़ बारिश की वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। लैंडस्लाइड्स यानी कि जैसे हमने देखा ही स्टूडेंट्स लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या है, और फ्लड यानी कि बहुत तेज़ बहुत बहुत बड़ी आंधी या तूफान की वजह से भी सॉइल डिग्रेड हो सकता है। तो सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में, एक है मल्चिंग टेक्निक। मल्चिंग यानी कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। सो एक टेक्निक है स्टूडेंट जिससे मल्चिंग यानी कि जो बेयर ग्राउंड मतलब जो फर्टाइल ग्राउंड नहीं होता स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स के बीच में पाया जाता है उसे कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे स्ट्रॉ जैसा एक मैटर होता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स किया जाता है ताकि वो सॉइल का मॉइस्चर बनाए रखे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टूर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे इस प्रकार रहता है वो, लेकिन ये जो बैरियर्स आप देख रहे हैं वो सारे बैरियर्स कॉन्टूर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंचेस यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि वो पूरे जो सॉइल को पूरे पानी को कलेक्ट कर सके, ये हेल्प करता है पानी को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। सो रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स भी बनाए जाते हैं डैम्स के, और वो पाइल यानी कि एक के ऊपर एक रखे जाते हैं ताकि ये जो पानी का प्रभाव है जो हमें नदियों से मिलता है वो कम हो जाए, और क्या हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा पानी भी ना मिले सॉइल को और फर्दर सॉइल लॉस भी ना हो। नेक्स्ट इज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब है ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फिसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। देखिए ये बड़ा सा माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, और ये लेयर्स बनाए गए हैं स्टीप स्लोप पे ताकि वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किया जाए। दे रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग सॉइल ग्रो करते हैं तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता और लैंडस्लाइड्स भी नहीं होते, राइट। इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंड, जैसे कि अगर ये लैंड हम लेके यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक एक हिस्से पे एक अलग क्रॉप, दूसरे हिस्से पे अलग क्रॉप, ऐसे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि ये सॉइल प्रोटेक्टेड रहे और बड़ी तेज़ बारिश से सॉइल ख़राब ना हो। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मोमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ये शेल्टर बेल्ट्स आपको केरला में ज़्यादा मिलेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे लगाए जाते हैं और विंड की दशा, क्योंकि जब जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ पे तो हरियाली होगी ही, तो विंड की दशा और मोमेंट सॉइल को प्रोटेक्ट करती है और सॉइल को कवर करती है। सो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट्स सॉइल को
डिग्रेड होने से बचाने का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 13 पे हैं। चलिए आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स पे, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट है, जिसे कहते हैं वाटर, जो कि है पानी। वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे वाटर को वापस रीयूज़ किया जा सकता है और ये नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 अर्थ का जो सर्फेस है जो पानी से कवर है, जैसे हमने देखा था 30% लैंड है, तो अराउंड 70% पानी से कवर्ड अप है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए अपने वर्ल्ड को वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। 3.5 बिलियन ईयर्स बैक पहले हमारे लाइफ, ऐसा बोला जाता है कि पानी से ही आई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो ये जो बड़े बड़े ओशंस हैं स्टूडेंट्स, वो 2/3 अर्थ सर्फेस का कवर करते हैं और बहुत ही वेराइटी देखने मिलती है प्लांट और एनिमल की, राइट। द ओशन वाटर इज़ हावेवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओशन का जो पानी है बहुत ज़्यादा सलाइन यानी कि खारा होता है, इस वजह से ह्यूमन कंजम्पशन यानी इंसानों को पीने लायक वो नहीं होता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.5%। जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% ही अवेलेबल है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स इज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, 70% जो है वो आइस शीट्स में कवर्ड है, बड़े बड़े माउंटेन्स, हिमालयस के आपने देखे होंगे, एंटार्क्टिका, ग्लेशियर्स, वो सारे पूरे बर्फ से कवर्ड अप है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। और वो लोकेशन इतनी ठंड होती है वहाँ पे, इस वजह से इनएक्सेसिबल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कोई जा आ नहीं सकता है, मुश्किल है जाना आना। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। और सिर्फ 1% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है इंसान के यूज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सर्फेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। तो ये जो 1% जो अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ देखने मिलता है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड, सर्फेस वाटर इन रिवर्स, जो रिवर में ऊपर ऊपरी पानी होता है वो, लेक्स में, ठीक है, और वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, वाटर वेपर के तौर पर भी हमें वो देखने मिलता है स्टूडेंट्स। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। बहुत ज़रूरी है फ्रेश वाटर यानी पीने का पानी को बचाना, क्योंकि 1% ही अवेलेबल है। वाटर कैन नाइदर टू बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना ही हम बढ़ा सकते हैं पानी का प्रभाव, और ना ही हम इसे कम कर सकते हैं। जितना अवेलेबल है उतना ही अवेलेबल है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। और इनका जो वॉल्यूम है, जितना अवेलेबल है उतना ही आपको मिलेगा। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, the land and back again through the processes of evaporation, perception and runoff. तो यहाँ पर ये बताया students कि पानी का जो प्रभाव है, abundance यानी कि बहुत सारा पानी आपको इसलिए पता देखने को प्रतीत होता है क्योंकि वो constant motion में रहता है, बहते रहता है, cycling through the oceans में वो बहते रहता है, ठीक है, air में आपको दिखता है, land and back again, ज़मीन में आपको दिखता है, ज़मीन के अंदर आपको दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इवोपरेशन का मतलब है जो पानी हवा में जाके इवोपरेट हो जाता है, आपको हवा में भी दिखता है, ये बताया गया है यहाँ पे। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज़ रेफर्ड टू एज वाटर साइकिल। इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने साइंस में पढ़ा होगा ये स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 14 पे है। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. ठीक है, और इंसान बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने और जैसे बर्तन या अपने कपड़े घिसने के लिए नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका इस्तेमाल भी होता है स्टूडेंट्स, थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स एंड आर अदर यूजेस। बहुत सारे यूजेस भी है इसके। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage of supply of water. आप तो जानते हैं स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, राइट, और डिमांड्स, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वो डिमांड भी बढ़ेगा खाने पीने का, बराबर, और उससे क्या होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग हैं जो गांवों से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जीने का तरीका भी बढ़ते जा रहा है, इस वजह से पानी की कटौती बहुत ज़्यादा हो गई है।
सो इस वजह से क्या हो रहा है, ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्टेज है वो रिवर में छोड़ दिया जाता है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और वाटर सोर्सेज भी ड्राई हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया है कि किस किस कारणवश हम पानी का इस्तेमाल रोज़ करते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्लशिंग, वॉशरूम में, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, तो ये दो चीज़ें हैं जिस वजह से हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पानी का करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देर इज स्केसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे जगह पे स्केसिटी यानी कि कम पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो ये सारे एरियाज हैं जिनको पानी की कटौती झेलनी पड़ रही है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केसिटी। और जो कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट यानी कि पानी का कटौती होने की संभावना है, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे राजस्थान में आप देखोगे पानी की कमी बहुत नज़र आएगी आपको। थस वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल परसेप्शन ऑफ द स्केसिटी इज कॉज्ड बाई ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। यहाँ पे बताया गया है कि वाटर शॉर्टेज इस वजह से हो सकता है क्योंकि सीजन वेरिएशन इन सीजन या एनुअल परसेप्शन ऑफ द स्केसिटी। परसिपिटेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वाटर इवॉपरेट नहीं हो पाता एनुअली अच्छे से। एनुअली का मतलब है सालों साल पानी इवॉपरेट नहीं हो पा रहा है, या वेरिएशन, या बहुत सारे सीजनल आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो आज के टाइम पे बारिश पहले होती थी जून जुलाई में, लेकिन अभी हर महीना बारिश अलग अलग टाइम पे होती है स्टूडेंट्स। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट का मतलब है बहुत ज़्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से पानी कंटामिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है, और वाटर रिसोर्सेज का अपमान यानी पानी में जो रिसोर्सेज है, जिस जो पानी जो काम करता है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, अभी कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन द वर्ल्ड टुडे। ये दुनिया का, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कि अच्छा और साफ पानी पीने के लिए बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डिवाइंडिंग रिसोर्स। डिवाइंडिंग का मतलब है एंडिंग, बहुत ही जल्द खत्म होने वाला रिसोर्स। इवन दो वाटर इज़ अ रेन्यूएबल सोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। भले ही वो रेन्यूएबल रिसोर्स है स्टूडेंट, जिसे वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल और उसको कंटामिनेट, पोल्यूशन करने की वजह से, दूषित करने की वजह से वो पीने लायक भी नहीं बचेगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीट और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, रिवर यमुना जो है कितना पोल्यूटेड लग रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें फेंकी जाती है अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्री का जो सीवेज है, जो कचरा है, वो पानी में जाता है। एग्रीकल्चर के जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो इस पानी में जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या कर रहा है, पानी को दूषित, कंटामिनेट कर रहा है। दे पल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये पल्यूशन किस वजह से होता है, उसमें नाइट्रेट्स मिक्स हो जाते हैं पानी में, मेटल्स मिक्स हो जाते हैं जो बहुत ही हानिकारक है एक इंसान के लिए, और पेस्टिसाइड्स मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से हम इस पानी को पी नहीं सकते स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 15 पेज नंबर पे हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि हम इसे वापस यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, और ये ह्यूमन बॉडीज, ये जो केमिकल्स हैं वो इंसानों तक पहुँच जाते हैं पानी के थ्रू। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। तो ये वाटर बॉडीज़ में केमिकल्स रिलीज करने से पहले हमें इसको ट्रीट करना ज़रूरी है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सर्फेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, जो फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन को हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, काट दिया है, बहुत सारे पेड़ और पौधे काटे हैं, इस वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होते जा रहा है, रिप्लेनिश होते जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सर्फेस रन ऑफ। पानी को हार्वेस्ट करना एक अच्छी मेथड है जिससे हम उसके सर्फेस यानी कि ऊपरी हिस्से को बचाए रख सकते हैं।
The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. और ये जो बड़े बड़े canals हैं जो use किए जाते हैं irrigation, irrigation यानी कि agricultural purpose के लिए, उसको अच्छे से use करना चाहिए, उसका wastage नहीं करना चाहिए. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरीगेट द एरिया बाई चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड इवॉपरेशन. ये जो स्प्रिंकलर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे सही से पानी सब जगह पर फैलता है और पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है. इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवॉपरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल. और ड्राई रीजन जैसे कि राजस्थान जैसे शहरों में जहाँ पर इवॉपरेशन बहुत हाई होता है, वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन काफ़ी अच्छा होगा. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो ये इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम इरिगेशन ये सारे मीन्स यूज़ करके हम पानी जो बहुत वैल्यूएबल है उसे हम बचा सकते हैं. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या दिया है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो कुछ बच्चे थे, वो एक एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें का एक एग्जीबिशन लगा था, एक मेला लगा था, वो विजिट कर रहे थे. और द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. और अलग अलग देशों से वहाँ पे वो चीज़ें बिठाई गई थी. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग. मोना ने कहा कि ये बहुत प्यारी सी हैंड बैग है. येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट. तो टीचर ने कहा ये जूट से बनी हुई है. Do you see those basket, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboos. तो टीचर ने कहा तुम्हें वो lampshades, baskets दिख रहे हैं और वो चेयर दिख रही है, वो सब canes और bamboos से बने हैं. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. So eastern and northern eastern humid regions India के वहाँ पर bamboo काफ़ी grow होता है. Jessie was excited to see a silk scarf. उसने एक सिल्क स्कार्फ देखा. जैसी ने सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज. सो मलबेरी ट्रीज पे जो सिल्क वर्म्स हैं, यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे स्कार्फ बना जाता है. द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ. हमें इससे प्रतीत होता है कि प्लांट्स से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल होता है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर दैट वी कॉल बायोस्फियर. ओके, सो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है जो नेचर में हमें गिफ्ट किया है, एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो यानी कि बहुत ही छोटे से ऐसे जोन में ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फियर. और ये भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर से, उसे इन तीनों के मिशन से बनता है बायोस्फियर. ओके, इन द बायोस्फियर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और ये जो बायोस्फियर है वहाँ पे लिविंग बींग्स यानी कि जो जीवित पशु प्राणी है वो एक इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंड, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जीने के लिए. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इको सिस्टम. और इसे इको सिस्टम भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी मूल्यवान रिसोर्सेज हमारे लिए है. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर गिव शेल्टर टू एनिमल्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ. प्लांट्स से देखो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं स्टूडेंट्स. वो हमारे लिए टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, हमारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, शेल्टर यानी कि घर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल और सॉइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 16 पे है. तो यहाँ पे प्लांट के यूजेस बताए जा रहे थे. प्लांट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट्स एज अ शेल्टर बेल्ट, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ असेंशियल फॉर योर स्टडीज़. तो यहाँ पे प्लांट के बेनिफिट्स बताए हैं स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है. प्लांट्स लैंड को फर्टाइल रखता है, इस वजह से हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. इट एक्ट्स एज अ शेल्टर बेल्ट
वो शेल्टर भी देता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, फ्रूट्स देता है, नट्स देता है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे लिए स्टोर करके रखता है, मेडिसिनल प्लांट जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा, एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एलोवेरा से कर सकते हैं, राइट? देर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, बहुत बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है? यहाँ पे देखो ब्रह्म कमल एक मेडिसिनल हर्ब है जिसे यूज़ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वा लाइफ फॉर्म्स, और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और सारे पानी में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी इंक्लूडेड है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल, वो हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वुल देते हैं जिससे हम हमारी ज़रूरतमंद वाली चीज़ें, रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी जीते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। सो हनी, इंसेक्ट्स जैसे बीज हमें हनी देता है, पॉलिनेशन से फ्लावर्स को बचाता है, और उसका इम्पॉर्टेंट रोल है डीकम्पोजिशन इन द इकोसिस्टम। उन्हें डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स एज वेल, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, वही इंसेक्ट्स जो सॉइल को ख़राब करते हैं, इसलिए बर्ड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व यहाँ बताया गया है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरमेंट। तो वल्चर, वल्चर तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कैसे दिखते हैं, ये रहा, ये वल्चर का फोटो है स्टूडेंट्स। तो वो क्या है कि वो डेड, जितने भी डेड एनिमल्स भी दिखते हैं वो उनको भी खा जाते हैं, तो इस वजह से वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेंजर, क्लेंजर यानी कि हमारी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में मदद करता है क्योंकि वो मरे हुए डेड एनिमल्स को खा जाते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल पार्ट टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। बड़े या छोटे कोई भी एनिमल हो स्टूडेंट, सारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और इस वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर और सॉइल में कितना मॉइस्चर है, पानी है, उस पर डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा। तो ये सारे मेजर वेजिटेशन है जहाँ पे वेजिटेशन उगाया जाता है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, ठीक है? द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, ठीक है? हैवी रेनफॉल के टाइम पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो इनकी रक्षा करते हैं, इन सारे ग्रासलैंड की रक्षा करते हैं, और जो फॉरेस्ट है इसलिए फॉरेस्ट के पास बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स। एज़ दी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस, जितना मॉइस्चर कम होता जाता है उतना पेड़ और पेड़ की क्वांटिटी कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ वहाँ ग्रो के क्या होता है, और उसे मॉडरेट रेनफॉल अगर मिले, मॉडरेट यानी कि एवरेज रेनफॉल अगर मिले तो वो ग्रास लैंड में फॉर्म हो जाते हैं। देखो बड़े बड़े पत्ते यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे ग्रास लैंड है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल। तो ये थॉर्नी के जो थॉर्नी स्क्रब्स होते हैं वो ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सर्फेस, रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, यहाँ पे बताया गया है इन सारे एरियाज में प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी अंदर तक जाते हैं सॉइल के, इस वजह से वो उसका सरफेस क्या हो जाता है, थॉर्नी हो जाता है, वैक्सी हो जाता है, और इस वजह से रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, इसलिए जो मॉइस्चर निकलने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत डीप रूटेड अंदर तक उनके रूट्स जा चुके होते हैं लैंड के। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स, जो जो तुंद्रा वेजिटेशन है, तुंद्रा रीजन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो पोलार, जहाँ पे कोल्ड पोलार रीजन्स यानी कि जहाँ पे बर्फ़ और ठंड का मौसम होता है वहाँ पे मॉसेस एंड लिचन्स पाए जाते हैं, ठीक है? टुडे देर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट दैट देन देर वर 2 सेंचुरीज बैक, 2 सेंचुरीज से पहले जितने लोग थे उससे डबल आज इंसान है स्टूडेंट्स। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, तो इतने
ज़्यादा लोगों को खाना देने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको काटा गया है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. फॉरेस्ट कवर ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, और पूरे दुनिया में जितने फॉरेस्ट हैं वो वैनिश वैनिश यानी गायब होते जा रहे हैं बड़ी तादाद में. देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूबल रिसोर्स, बहुत ज़रूरी है इस वैल्यूबल रिसोर्स को हम कंजर्व करें. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट जो है वो एनिमल्स को शेल्टर देता है, सहारा देता है, और वो दोनों मिला के इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफियरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफियरेंसेस जैसे फॉरेस्ट को कट करना स्टूडेंट्स, या फिर फॉरेस्ट फायर, गलती से अगर फॉरेस्ट में आग लग जाती है ह्यूमन इंसान की वजह से, तो वो लॉस हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम ऑफ देम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. बहुत सारे स्पीशीज़ हैं वो वनरेबल, वनरेबल यानी बहुत ही गंदी हालत में, बहुत ही बुरी हालत में है, और कुछ लोग तो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म हो गई है उनकी वेराइटी. जैसे वाइट टाइगर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कहीं पर वाइट टाइगर? अभी अभी आपको देखने बहुत कम मिलेगा क्योंकि वो एंडेंजर्ड हो चुका है. राइनोज, राइनोज की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज. एक्सेलरेट का मतलब है जो हमें जो इस कारणवश ये सारी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है. डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी है, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ों की वजह से इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है. वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट्स इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़. पोचिंग का मतलब है हंट करना स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको हंट करके मार के उनको खाया जाता है, इस वजह से उनकी डिक्लाइन भी हो चुका है, वो काफ़ी कम भी हो चुके हैं नंबर में, उनकी तादाद कम हो गई है. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स. कभी कभी हम उसे खाने में भी यूज़ करते हैं, या फिर उनका पोचिंग इस वजह से भी होता है ताकि उसे इलीगल ट्रेड किया जाए. हाइड, स्किन्स, नेल्स, टीथ, जैसे आप लेदर की कोई मटेरियल देखेंगे, जो लेदर की मटेरियल होती है वो कोबरा की स्किन से बनाई जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, उनको पोचिंग किया जाता है. हर लेदर की मटेरियल आप देखेंगे वो किसी एनिमल की चमड़ी से बनाई जाती है. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस. ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जिनकी वजह से जिनकी जो है पोचिंग की जाती है, और उनकी स्किन से या उनकी किसी भी बॉडी पार्ट से कोई ना कोई वस्तु बनाई जाती है. स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और इनको बचाया जा सकता है. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेन मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये सारी चीज़ें बनाई गई है गवर्नमेंट ने ताकि हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और इको सिस्टम बना रहे. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेट लैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. क्रीक्स, लेक्स, वेट लैंड्स को भी कंजर्व करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी प्रेशियस है हमारे लिए, और ये डिप्लीट नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. देर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब. और बैलेंस तब बना रहेगा जब एक सर्टन नंबर ऑफ स्पीशीज़ को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है? इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है? ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानों से करी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जैसे हमने देखा है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देखोगे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर का. फॉरेस्ट फायर से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है नेचुरल वेजिटेशन को. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे एनिमल्स जल जाते हैं अपनी अपने नेचुरल हैबिटेट इकोसिस्टम से बाहर आके शहरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे फायर हो जाती है. और ये इकोसिस्टम को कितना हानिकारक है ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसानों की वजह से ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग, इंडिस्क्रिमिनेट का मतलब है उनकी हत्या करना एनिमल्स की, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ लोग तो बचे ही नहीं हैं और थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी अभी रहने से रहे क्योंकि एनिमल्स को मारा जा रहा है ह्यूमन से.
Awareness programs like social forestry and Vano Mahotsava should be encouraged at the regional and community level. ठीक है, annual awareness programs होना चाहिए student, जैसे ये भी हम chapter अभी सीख रहे हैं, ये भी हमें कुछ नई चीज़ सिखा रहा है जिस वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. ठीक है, वैसे ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स गांव में होने चाहिए, रीजनल होना चाहिए और कम्युनिटी के लेवल पे होने चाहिए. सारे देश को ये चीज़ें सिखानी चाहिए. स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचुरल कैंपस सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़. स्कूल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए बर्ड वॉच करने के लिए, कोई भी कैंपस में कैंप्स में जाके, नेचर कैंप्स में जाके, और अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि हमारा हमारे जो नेचर में कितनी वेराइटी है स्पीशीज़ की. मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे कंट्रीज़ ने लॉ भी प्रैक्टिस लॉ भी पास किया है अगेंस्ट द ट्रेड एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल. इंडिया में लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक्स की ट्रेडिंग करना इलीगल है स्टूडेंट्स. एन इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिटीज हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड. और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ में CITES भी इस्टेब्लिश हुआ है स्टूडेंट, जहाँ पे सेवरल स्पीशीज एनिमल्स और बर्ड्स का ट्रेड करना प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब अलाउड नहीं है, इलीगल है. कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. अपने एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को कॉन्जर्व करना, उनको बचाए रखना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट. द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, ओके, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ soil formation. Okay, so these are the things that we studied in the flow chart, students, the flow chart that we had already studied. Thank you.